प्रोनाउन के पार्ट फाइव में हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग देखेंगे। अभी तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चल रहा है। कहता है क्या कि यदि एब्सेंट या प्रेजेंट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हो तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग इसके साथ नहीं किया जाता है। अब देखिए, वर्ब के रूप में भी प्रेजेंट का प्रयोग होता है और एब्सेंट का, इन दोनों का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। लेकिन देखिए, वर्ब के रूप में होने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा, एडजेक्टिव के रूप में रहने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हुआ। जैसे ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, अगर यहां पर ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास लिखते, यहां पर प्रयोग यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता तो यह वाक्य गलत हो जाता। यहां एडजेक्टिव है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं लगा। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द मीटिंग, देखिए वर्ब के रूप में आया है, प्रेजेंटेड सिंपल पास्ट में है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ। अगर नहीं करते इस वाक्य में प्रेजेंट वर्ब के बाद तो वाक्य यह गलत होता है। लेकिन ही वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, यह एडजेक्टिव के रूप में आया है इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं होगा, सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं होगा। जैसे माई सेल्फ इज सुमन, गलत है, आई एम सुमन। हर सेल्फ इज जया, गलत है, शी इज जया, यह सही हुआ। इसमें एक प्रयोग है, देखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं किया गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, तो उससे संबंधित एक बात और देखें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया गया है तो एक और प्रयोग इसमें है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। जैसे राम इन्फॉर्म्ड मायसेल्फ, आप देख रहे हैं वर्ब है, यह ऑब्जेक्ट है। तो कभी भी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सिर्फ ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर जो किया गया वैसा प्रयोग गलत है। यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, राम इन्फॉर्म्ड मी, देखिए यह ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग यहां पर गलत होगा। इसके बाद देखेंगे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं
जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। उसका लिस्ट है वर्ब का, देखेंगे कौन कौन है। ओपन, कॉन्सेंट्रेट, फील, कीप, हाइड, ये सब कैसे वर्ब हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। स्टॉप टर्म क्वालिफाई, बेन, स्टॉप टर्न क्वालिफाई बेद, ये सब कैसे वर्ब का ग्रुप है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे द विंडो ओपन्ड, दरवाजा खुल गया। अब इसमें जो है इटसेल्फ का प्रयोग नहीं करेंगे, नॉट इटसेल्फ, आई एम फीलिंग, बेटर टुडे। अब यहां पर फीलिंग बेटर, नहीं लिखेंगे इसमें, आई एम फीलिंग बेटर माई सेल्फ ऐसा प्रयोग हम नहीं करेंगे। नॉट myself, you should not hide the truth। अब इसमें हाइड माने होता है छिपाना, तो अब इसमें हाइड के बाद हाइड द ट्रूथ योर सेल्फ ऐसा प्रयोग गलत होगा। तो इस लिस्ट को भी आप याद रखेंगे कि कौन कौन ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। ओपन, कंसंट्रेट, फील, कीप, हाइड, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेद, ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब अगला नोट में देखेंगे, एक सेंटेंस है, आई हैव गिवन हर पर
नोट में देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण यह भी रूल है, आई हैव गिवन हर माई ओन वॉच। अब इस वाक्य को देखें, माई आपका हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ अपना के अर्थ में ओन का प्रयोग होता है, बता चुके हैं। इसके बाद आपका नाउन आया है। तो यदि इसके साथ में अगर लिखते हैं कि आई हैव गिवन हर माई सेल्फ्स वॉच, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो माई सेल्फ्स वॉच लिखेंगे तो यह गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि पोजेसिव एडजेक्टिव और ओन के साथ जो नाउन आएगा उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा करके जो नाउन लिखिएगा, ऐसा प्रयोग गलत होगा। माई सेल्फ्स वॉच ऐसा नहीं होगा प्रयोग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, भर में बताए थे जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है वो था ओपन, कंसंट्रेट, फील, कीप, हाइड, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेद। ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अगला चलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब या एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन के बाद भी होता है, वर्ब या एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन के बाद भी होता है। जैसे आई एम अनॉयड, अनॉयड एडजेक्टिव हो गया, विथ माई सेल्फ, यहाँ पर विथ हो गया आपका प्रीपोजिशन, यहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, इसलिए यह बात सही है, ठीक है। अगला देखिए, शी मस्ट टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, वर्ब के बाद आया है तो यहां पर प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब वर्ब या एडजेक्टिव के बाद यदि प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ही ऑफन स्पीक्स टू हिमसेल्फ, वह अक्सर अपने आप से बातचीत करते रहता है, अपने आप से ही बतियाता है। तो भर प्लस प्रीपोजिशन प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यह सब प्रयोग जो है सो बिल्कुल करेक्ट है। अब इस नोट में देखिए, यदि भर्ब के बाद प्रीपोजिशन तथा प्रीपोजिशन के बाद दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु, दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु हो तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन प्रयोग होगा, जो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, जैसे आई के मी, सी के हर, दे के देम, वी के अस, ठीक है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही यू होता है, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, न कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जैसे डज ही राइट टू यू रेगुलरली, अब इसमें यू के जगह पर योरसेल्फ का प्रयोग गलत होगा, ऐसा नहीं लिख सकते हैं डज ही राइट टू योरसेल्फ, डज ही राइट टू योरसेल्फ रेगुलरली, ये ऑब्जेक्ट के रूप में ऐसा प्रयोग नहीं होगा प्रीपोजिशन के बाद, क्योंकि इसमें दो अलग अलग व्यक्ति है, ही है और यू है, अलग अलग है, दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु की जब चर्चा हो, जब दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु की चर्चा हो तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, न कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। फिर देखिए, ही डिपेंड्स ऑन यू एंड मी, प्रीपोजिशन लगा है ऑन,
ऑन आपका प्रीपोजिशन है। तो यहां पर ऐसा नहीं लिख सकते हैं ही डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ एंड माई सेल्फ, ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रयोग गलत होता है। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर चल रहा था प्रोनाउन, उसका पार्ट 5 जो है सो समाप्त होता है। अब छठे पार्ट में हम लोग चलेंगे, ठीक है।